गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 5, द हैप्पी प्रिंस। इन दिस लेसन बेटा वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस वाज अ स्टैचू एंड ही वाज क्रिएटेड इन द सिटी ऑन अ हाई प्लेस। बहुत ही ऊंची जगह पर वो स्टैचू लगाया गया था। इन द पास्ट द हैप्पी प्रिंस वॉज अ प्रिंस दैट ऑलवेज रिमेन हैप्पी बिकॉज ही हैड नेवर सीन एनी डिफिकल्टी। उसने कभी डिफिकल्टी देखी ही नहीं थी। सो हिज कोर्टियर कॉल्स हिम हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। बड़ा एक सुंदर स्टैचू था। द स्वॉर्ड वॉज बिल्ट विथ रूबी एंड हिज आईज वर बिल्ट विथ स्पीयर एंड द होल बॉडी ऑफ द स्टैचू बिकम विद गोल्ड। गोल्ड की बनाई गई थी सारे जो बॉडी बनाई गई थी। वन डे अ लिटिल स्वेलो केम टू द प्रिंस। ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट। इजिप्ट जा रहा था वो स्वेलो। वेन ही वॉज टायर्ड ही सेट अंडर द हैप्पी प्रिंस स्टैचू। हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे वो बैठ जाता है। एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर आकर गिरती है। तो वो देखता है कि बादल भी नहीं है, फिर ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ से आई। तो फिर वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों से पानी आ रहा है। ही बिकेम सरप्राइज कि एक स्टैचू कैसे रो सकता है। देन द स्टैचू टॉक टू हिम। जो स्टैचू उससे बात करता है वो क्या कहता है। हैप्पी प्रिंस टेल्स हिम हिज स्टोरी। जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो उसको अपनी स्टोरी बताता है। दैट आई वॉज अ प्रिंस एंड आई ऑलवेज रिमेन हैप्पी। आई हैड नेवर सीन एनी डिफिकल्टी एंड सो हिज कोर्टियर कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस। एंड नाउ फ्रॉम दिस प्लेस आई कैन सी द मिजरीज ऑफ पीपल। मैनी पीपल आर इन अ बैड कंडीशन। टू सी द कंडीशन ऑफ दैट पीपल द हैप्पी प्रिंस बिकेम वीपिंग। तो उनकी कंडीशन देखकर हैप्पी प्रिंस रोना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको कहता है स्वेलो को टू रिमेन विद हिम वन नाइट कि एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ। बट जो स्वेलो है उसके जो दूसरे स्वेलो थे वो उसके वेट में थे। ही वांटेड टू गो तो उसके रिक्वेस्ट सुन के वो एक रात के लिए मान जाता है। तो वो रात को देखता है एक सी मिस्ट्रेस जो क्वीन के कपड़े स्टिच करती थी। हर सन वॉज वेरी इल एंड देर वॉज नथिंग टू ईट। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। देर वर ओनली ऑरेंजेस। तो वो उसे पानी मांगता है बट पानी भी उसकी मदर के पास नहीं था। तो वो क्या करता है सी मिस्ट्रेस सन वॉज इल एंड जो हैप्पी प्रिंस था सैंडी रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड। वो स्वेलो को कहता है कि मेरी स्वॉर्ड के अंदर से जो रूबी है वो ले लो और वो सी मिस्ट्रेस को दे दो। तो जो स्वेलो था उसकी स्वॉर्ड में से वो लेता है और वो देने चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है द सी मिस्ट्रेस वॉज स्लीपिंग एंड द बॉय वॉज इन अ बैड कंडीशन बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वो उसको क्या उसके पास बैठता है उसको पानी देता है और एक स्पीयर उसके टेबल पर रखकर आ जाता है और थोड़ी देर उसको हवा भी करता है। हवा करने की वजह से जो लड़का था उसकी आँख खुल जाती है। तो वो वहाँ से आ जाता है स्वेलो। आफ्टर सम टाइम जो हैप्पी प्रिंस था अ यंग प्ले राइटर हु वॉज इन अ बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ द कोल्ड। ही वॉज नॉट कैपेबल टू राइट एंड ही हैड नो मनी टू ईट समथिंग। खाने के लिए पैसे नहीं थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से वो राइट नहीं कर पाता था। और अगर वो राइट नहीं करता तो क्या है उसको कुछ भी काम नहीं मिलता। तो वो क्या करता है हैप्पी प्रिंस सेंड अ स्पीयर फॉर द यंग प्ले राइट। अ स्पीयर वाज इन हिज आईज। उसकी आईज में टू स्पीयर्स थी। तो वन स्पीयर वो प्ले राइट के लिए भेज देता है। प्ले राइट अनकॉन्शियस हो जाता है। वैन ही बिकेम कॉन्शियस वो उसको स्पीयर को देखता है। देन ही बिकेम वेरी हैप्पी। आफ्टर सम टाइम ही सेंड सेकेंड स्पीयर टू द मैच गर्ल हु वॉज बीपिंग। देर वॉज अ मैच गर्ल हुज ऑल मैच बॉक्स वर फेल इन टू द डंप कूड़े में गिर जाती है एंड दे ऑल वर डिस्ट्रॉयड
the girl was weeping because she went to the home without any money. His father beat her. कि अगर मैं बिना पैसे लिए घर गई तो मेरे जो फादर है मेरी पिटाई करेंगे. So she started weeping. Then he sent to the swallow to send the second spear to the nest. But swallow did not want to go because after this spear, happy prince became blind. He did not see anything. तो वो मना कर देता है कि नहीं आप अंधे हो जाएंगे, मैं इस स्पीयर लेकर नहीं आऊंगा. बट हैप्पी प्रिंस फोर्स्ड हिम एंड ही हैड टू गो. और वो उस मैथ्रल को उस स्पीयर लेकर आ जाता है. आफ्टर दिस स्वेलो स्टेड विद द प्रिंस बिकॉज प्रिंस बिकेम ब्लाइंड. वो डिसाइड करता है आई विल नॉट गो टू इजिप्ट, आई विल स्टे विद यू बिकॉज यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड. अब उसके साथ रहता है तो हैप्पी प्रिंस था. हैप्पी प्रिंस उसको कहता है कि एक राउंड लेकर आओ और देखो हु आर वेरी हंग्री, हु आर थर्स्टी, हु इज इन मिजरेबल कंडीशन. देन स्वेलो राउंड दी सिटी, सिटी का राउंड लेता है. वो देखता है कि जो रिच पर्सन हैं दे लिव इन अ बिग हाउसेस, दे आर लाफिंग, दे आर डांसिंग एंड पुअर पीपल लिव इन अ हट्स एंड दे आर लेटिंग. वो दो बच्चों को देखता है जो एक फ्लाई ओवर के नीचे दोनों लेटे हुए थे और एक दूसरे चिपके हुए थे बिकॉज ऑफ द कोल्ड, कोल्ड की वजह से. तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, उनको उठा के वहाँ से भेज देता है. अब ठंड की वजह से उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी. तो हैप्पी प्रिंस क्या करता है, अपना जितना भी गोल्ड था ही डिस्ट्रीब्यूट ऑल द गोल्ड टू द पुअर पीपल. इन दिस वे ही बिकेम सो अगली, बड़ा गंदा दिखने लगा था. नाउ द पुअर स्वेलो डाइज बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड हंगर. जो पुअर स्वेलो था उसके पास एक बेकरी की शॉप थी. कई बार उस बेकरी की शॉप पर जाता था और वहाँ से कुछ लेने की कोशिश करता था बट द बेकर फ्लू ही, उसको उड़ा देता था. तो इस तरह से ठंड के मारे और भूख के मारे ही गेम डाइज, जो स्वेलो है उसकी डेथ हो जाती है. और जो पहले उसका जो हैप्पी प्रिंस था उसका जो स्टैचू था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था बिकॉज ही सेंट ऑल द गोल्ड, ऑल द रूबी एंड स्पीयर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी उसने पुअर पर्सन में. नेक्स्ट डे द मेयर ऑर्डर टू बी पुल डाउन द स्टैचू. जो मेयर था एक दिन वहाँ राउंड लेता है, वो देखता है कि स्वेलो मरा पड़ा है और जो स्टैचू है स्टैचू की कंडीशन बैड हो चुकी है. तो वो म्यूनसिपैलिटी वालों को ऑर्डर देता है कि आप स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दो और यहाँ से सफाई करवा दो. तो गॉड ये सब वॉच कर रहे थे, सब देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स. जो गॉड है अपने टू एंजल्स को भेजते हैं कि टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इस अर्थ पे है उनको लेकर आओ. कौन सी थी वो दो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स? हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो. जो हैप्पी प्रिंस था उसका जो कॉन्शियस था हार्ट था उसको लेने के लिए, और जो स्वेलो था उनको फिर वो ले जाते हैं. इट मीन्स द पॉइंट द लेसन वांट टू गिव अस मैसेज दैट कि जो प्योर हार्टेड होते हैं उनकी गॉड को जरूरत होती है, गॉड उनको अपने पास बुला लेते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ लेसन 5 बेटा. यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन. थैंक यू, हैव नाइस डे.